जब आजाद हुआ तो हमारी जनसंख्या तो काफी बढ़ गई थी और उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अपर्याप्त था भोजन पाना और दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा था। तब हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति जैसी एक मोमेंट चलाना पड़ा था और उसमें उन्होंने उन्नत उन्नत जितनी भी तकनीक थी उसको प्रयोग किया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया, इंग्लिश अंग्रेजी खादों का प्रयोग किया, अंग्रेजी उर्वरकों का प्रयोग किया, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया, रसायनों का प्रयोग किया, जो कुछ वाजिब था सब कुछ किया और उसी की बदौलत हम लोग फिर आत्मनिर्भर भी हुए और हम दूसरे देशों को निर्यात भी करने लगे। लेकिन उस समय बाद पिछले दो तीन दशक में हमने देखा हुआ क्या कि हमारा प्रोडक्शन चाहे कितना ही यूरिया आप डाल दो, कितना ही डीएपी के कट्टे डाल दो, एक हेक्टेयर में जैसे प्रोडक्शन 10 क्विंटल मिल रहा था तो वो आपको 9.5 क्विंटल ही मिल रहा है, 10 से ऊपर नहीं जा पा रहा वापस से। तो इसका मतलब बहुत खर्चा करने के बावजूद भी जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो खेती हमारी इकोनॉमिक नहीं रही। और इकोनॉमिक क्यों नहीं रही? क्योंकि जमीन की उर्वरा शक्ति होगी खत्म यानी बंजर हो गई। इसलिए किसानों ने इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए एक प्रयास ये भी किया कि आसपास में जो खाली जमीन पड़ी थी, पड़ती भूमि पड़ी थी अथवा जिसमें कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे उनको भी काटना प्रारंभ किया और काट काट करके यहाँ तक कि टीलों पर भी स्प्रिंकलर सिस्टम डाल दिया या फिर वो ड्रिप इरिगेशन से भी और बिना लेवल के ही खेती करना प्रारंभ कर दिया और प्रकृति को एक प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया कि हम कहीं भी कुछ भी पैदा कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मानव है, हमारे पास मस्तिष्क है। तो प्रकृति भी बहुत नरोश हुई इससे क्योंकि प्रकृति की जब छेड़छाड़ की गई तो बहुत नाराज हुई। प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार, पड़ोसी जैसा व्यवहार करके जो परंपरागत खेती की जाती थी वो बहुत अच्छी थी, खेती थी अच्छी मानी जाती थी। इसमें हमने डिस्ट्रक्शन किया है सभी का, जो प्राकृति जीव थे या प्रकृति में जो हमारे मित्र थे, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया था कि जो हमारे निःशुल्क जो व्यवस्थाएं हमें मिल रही है उन सबके साथ में हमने छेड़छाड़ की, जल के साथ में हमने छेड़छाड़ की। तो फिर ऐसी स्थिति आई कि हमारे को जब पूरी जनसंख्या को भोजन देना है तो निश्चित रूप से हमने पेड़ पौधों को काट काट कर जंगलों को भी खेतियां जमीन में अरेबल लैंड में बदलने की कोशिश की, खेती वाली जमीन में बदलने की कोशिश की। जब खेती वाली जमीन में बदलने की कोशिश की तो जो कीट पतंगे, जो जीव जंतु जो जंगलों में रह रहे थे अब उनको वहाँ भोजन पर्याप्त नहीं मिला, वो माइग्रेट कर गए हमारे एग्रीकल्चर की तरफ। यानी जो इंसेक्ट पेस्ट, जो रोज रोज नीलगाय जो जंगलों में खाया करते थे, मंकी बंदरों बंदर जो है जंगलों में खाया, वहाँ पौधे लगाइए आप तब जा करके वो हमारा बैलेंस बन पाता है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था रही है और बहुत अच्छे सुनने को हमें मिला है, इसके लिए मैं माननीय हमारे सम्माननीय शंकरलाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे विषय पर विषय का चुनाव किया और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सार्थक वार्ता के लिए हम सबको